गाइस चलो चॉकलेट बनाते हैं, होममेड चॉकलेट्स। उसके लिए मैंने हॉट वाटर ले लिया है, मैंने उसके लिए हॉट वाटर ले लिया है। देखो ये कितना हॉट है, ठीक है। एंड अभी हम लेंगे चॉकलेट, इसे मैं इसके अंदर डिप कर दूँगी, ठीक है, ताकि ये मेल्टेड हो जाए, मेल्ट हो जाए। एंड इसके अगर आपको ज़्यादा मतलब हीट चाहिए ना, तो आप कैसे क्या करोगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये फटाफट से मेल्ट हो जा रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये डेरी मिल्क डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आप कोई सा भी चॉकलेट ले सकते हैं। एंड अभी हम इसको बाउल से पूरा कवर कर देंगे, ताकि ये इसकी हीट जो है अंदर रहे और चॉकलेट जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए। तो अभी मैं इधर वेट कर रही हूँ एंड मेरी सिस्टर भी वेट कर रही है। सो गाइस आपको आज एक डिफरेंट दिख रहा होगा कि मतलब मेरे जिस हाथ से लिखते हैं उस हैंड में नहीं है फेक नेल्स नहीं हैं, और इस हाथ में है क्योंकि मैंने आज फेक नेल्स लगाए हैं। सो डैट और मेरी सिस्टर ने भी लगाए हैं, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं इसे 10 मिनट्स के बाद निकाल रही हूँ एंड ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ी सी देर के लिए और रख देते हैं, ताकि ये मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड देखो मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए और रख देती हूँ, ताकि ये जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाए, ठीक है। तब तक मैं आपको बताती हूँ होममेड मोल्ड कैसे बनाना है, चॉकलेट बनाने के लिए होममेड मोल्ड कैसे बनाना है हमें। चलो मैं आपको बताती हूँ। जो मेरा कैडबरी का डब्बा था ना, उसमें से मैंने एक 5-स्टार वाला मोल्ड कट कर लिया, ठीक है। एंड अभी हम अपना डेरी मिल्क देखते हैं मेल्ट हो गया है कि नहीं। गाइस ऐसे बॉयलर मेथड से तो ऐसे मतलब नो फायर मेथड से तो बॉयल भी हो गया। वैसे भी आजकल ना गर्मी है ना, तो ना आपके मतलब किचन के टैप्स में जो अगर आप ताज़ा पानी यूज़ करते हो तो आपके किचन के टैप्स में भी आता ही होगा, तो आप वहाँ से गर्म पानी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे तो वहीं से आ गया था, मैंने ले लिया, ठीक है। अभी आप देखो इसकी पूरी मेल्ट हो चुकी है, बट फिर भी मैं इसे अंदर थोड़ी देर के लिए डिबो रही हूँ, ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से मेल्ट हो जाए, ठीक है। एंड इधर मेरा मोल्ड भी पड़ा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो देखो अच्छे से मेल्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो गाय बहुत ही ज़्यादा गर्म है। सो गाय तो मेरी सिस्टर भी खड़ी है ना, तो वो भी कह रही है ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, बट करना पड़ता ही है। इससे तो मेरे नेल्स भी निकल सकते हैं गाय। ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गया है, तो चलो अभी मैं इसको कवर कर लेती हूँ। कवर करके ना ये ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो रहा है, तो मैं इसे कवर कर लेती हूँ। सो गाइस जब तक ये मेल्ट हो रहा है ना, तब तक मैंने ले लिए हैं ये जैम्स जो मेरे को कैडबरी के बॉक्स से मिले थे। तो मैंने ये जैम्स ले लिए हैं। अब मैंने इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था, तो अब ये आई थिंक अच्छे से ये मेल्ट हो चुका होगा। येस गाइस ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, ये इसको बाहर निकालते हैं, डालना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट हमारे मोल्ड में। गाइस अभी ये आ गया है इधर हमारा मोल्ड, ठीक है। एंड इधर आ गया हमारा चॉकलेट, ठीक है। ये चॉकलेट भी पूरा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ठीक है। ये सीजर है जिसे मैंने कट करा है। गाइस मेरे तो नहीं निकल सकते, क्योंकि मेरी ग्लू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको इसी में डाल के दिखाती हूँ। एंड ये देखिए निकल ही नहीं रहे, ये देखो यार नहीं निकल रहे, देखा। सो गाइस चलो हम अपना डेरी मिल्क खोल लेते हैं। एंड ये भी तो मेरे पास ही खड़ी है, तो इसे भी मैं सिखाती हूँ कि कैसे चॉकलेट बनाना है। बट तू मत बनाने स्टार्ट हो जाना,
मतलब मम्मी से मेरे को तो डांट पड़नी पड़नी है, वरना तेरे को भी पड़ जाएगी। तो कैसे चॉकलेट है ये पूरा मेल्ट हो चुका है। नहीं कर नहीं कर, चॉकलेट खाना नहीं खाना, ऐसे तो नहीं मिलेगा ना, आप पंगे कर रहे हो, फिर ऐसे नहीं मिलना आपको। आपने खाया ना? और मैम तो बस थोड़ा सा ही खाया ना। सो गाइस ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे स्टिकी टाइप हो रहा है, ठीक है। आपको इसे पूरा मिक्स, आपको इसे पूरा मेल्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइस मैंने चॉकलेट तो डाल दिया इसमें, तो अब इसको अच्छे तरीके से सेपरेट कर लेते हैं। सो गाइस अब हम इसे फोर्क से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से फोर्क से सेपरेट कर लेते हैं, ताकि ये जो है हमारा ये अच्छे तरीके से फैल जाए, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं, सो गाइस यहाँ पर मेरी सिस्टर भी खड़ी है, मैंने आपको बहुत बारी बता दिया। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से फोर्क से स्प्रेड कर दिया, ठीक है। हर जगह से स्प्रेड कर देना आपको, जहाँ से आपको लगे कि हाँ भाई अभी स्प्रेड नहीं हुआ है, तो आपको उस जगह से स्प्रेड कर देना, ओके, ऐसे ही करना है आपको। कुंजन ऐसा कर दो मुझे बताना। एंड हम यहाँ पर वापस से चॉकलेट लेकर के मैंने थोड़ी देर ना इसे और गर्म पानी में डाल दिया था, ताकि ये और ज़्यादा मेल्ट हो जाए, ठीक है। अभी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, इसमें थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, क्यों, क्योंकि जो है इधर हमारा जो है ना ये जो चॉकलेट है ना ये डेरी मिल्क है, वरना आपको ये अगर और यूज़ करोगे ना तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दूध डला होता है, शायद इसलिए ये अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो गाइस आप देखो मैंने इतना स्प्रेड कर दिया, आप देख सकते हैं। अभी मेरे को पूरा इसमें डाल देना है, ठीक है। एंड अब मैं इसे भी फैला दूंगी। आपको ना चॉकलेट लगाते जाना है, फैलाते जाना, लगाते जाना, फैलाते जाना, लगाते जाना, फैलाते जाना, इसी तरीके से जो आपका चॉकलेट है वो अच्छे से बनेगा। एंड नीचे देखो कितना सही लग रहा है ना, है ना। सो गाइस अभी मैं और ज़्यादा चॉकलेट डाल रही हूँ, ठीक है। जितनी हो सके ना आपको चॉकलेट डाल देनी है, ठीक है। सो गाइस अब हम ना ये जो चॉकलेट है ना ये मैंने पूरा डाल दिया है, ठीक है। सो अभी हम इसमें जैम्स डाल देंगे, पर मैं जेम्स खोल लेती हूँ, फिर हम डाल देंगे, ठीक है। ये देखो मैंने जेम्स खोल लिए हैं, अरे इसमें बहुत सारे जेम्स हैं, तो चलो मैं इसमें डाल देती हूँ अपने जेम्स, ठीक है। इधर मैं सेट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा जेम्स हैं इधर, मैं इधर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जैम स्प्रेड कर रही हूँ, ठीक है। हमारी ना ट्यूशन वाली मैम आ गई है। सो गाइस देखो मैंने जैम स्प्रेड कर दी है, हमारी ना ट्यूशन वाली मैम। सो गाइस अब जितना भी चॉकलेट है ना वो मैं इसमें स्प्रेड कर देती हूँ। ये थोड़ा सा ही बचा, ये गाइस मेरी सिस्टर कह रही है बस थोड़ा सा ही बचा, मैंने कहा कुछ नहीं होता।
सो गाइस अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ सेट होने के लिए। इसको मैंने फ्रिज में रख दी, फ्रीजर में रख दिया है। तो चलो हम 2 आवर्स के बाद देखते हैं। सो गाइस 2 आवर्स हो चुके हैं, तो अब जो हमारा चॉकलेट है वो मैं आपको बता रही हूँ वो कैसा लग रहा है। सो गाइस देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। चॉकलेट ये मैंने ना फर्स्ट टाइम बनाया ना, तो जेम्स वाला ऐसा बना है, ठीक है। एंड मैं इसे अभी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सो गाइस देखो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ एंड ये एक बारी में ही निकल गया है। एंड इस पर ना वैसा छापा बच गया है, रुको, 5 स्टार का छापा बच गया है। एंड इसे ना हम हाफ हाफ करते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा मम्मा को भी खिलाऊँगी, ठीक है। ये पकड़ो, अच्छा ये पकड़ो, चॉकलेट ही पकड़ना है, चॉकलेट नहीं पकड़ना है, इसे पकड़ना है प्लेट को। चॉकलेट पकड़ रही है, ये क्या तो अब देखो, अब मैं नहीं खा रही। सो गाइस आप देख सकते हैं ये हमें चॉकलेट मिला है। सो गाइस इसके एक्सप्रेशन से तो लग रहा है बहुत ज्यादा ही अच्छा। गाइस थोड़ा सा मैं मम्मा को भी खिलाकर आती हूँ। सो गाइस वैसे तो मेरी मम्मा चॉकलेट खाते नहीं है, बट उन्होंने ना हाफ पीस खा लिया, तो मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत यम्मी है गाय, यस बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी है। अब बोल चॉकलेट है तो चॉकलेट ही रहेगा। यस मैं भी यही बोलने लगी थी। बाय बाय, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।